पोटेंशियल डिफरेंस की एप्लीकेशन में हम पोटेंशियल डिफरेंस की तीन डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, तो ये तीन डेफिनेशंस हैं। तो मैं आपको तीन टाइप के न्यूमेरिकल बताता हूँ कैसे आए हुए हैं और उनको करके भी दिखाता हूँ, ताकि एकदम कॉन्सेप्ट सही बैठ जाए कि अगर ये टाइप का प्रॉब्लम आएगा उसको कैसे हैंडल करना है। तो पहले टाइप का न्यूमेरिकल ऐसा आ सकता है कि आपको वो क्यू चार्ज देगा, आपको आर ए आर बी डिस्टेंस पे ए और बी दो पॉइंट देगा, आपको ए पॉइंट पे आर ए डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालने को कहेगा 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर ए, बी पॉइंट पर 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर बी और कहेगा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो, आप बड़े में छोटा माइनस कर देना, बात ही खत्म, क्लोज। ये पहले टाइप का न्यूमेरिकल है, कुछ करना ही नहीं है। क्यू ने ए पे पोटेंशियल लगाया, क्यू ने बी पे पोटेंशियल लगाया, दोनों को माइनस किया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, क्लोज, सही है। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम में आपको ऐसे देगा, वो कहेगा देखो ये क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज में आर ए आर बी भी दे देगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या हो सकता है आपको वी ए की वैल्यू दे दे, मान लो वी ए यहाँ पर 10 वोल्ट है, वी बी यहाँ पर मान लो 5 वोल्ट है, कुछ भी देगा, और आपको कहेगा कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, इसकी वैल्यू भी देगा। टेस्ट चार्ज को बी से ए पे उठा के रखा, तो बताओ ऐसा करने में कितना वर्क डन करना पड़ा, ये बताओ। तो जब भी टेस्ट चार्ज को उठा के रखने का वर्क डन कैलकुलेट करना हो, तो ए की डेफिनेशन है वर्क डन अपॉन कैरिंग अ टेस्ट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन अपॉन चार्ज क्या पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आप चार्ज को बी से ए पे लेके आए तो ये आपका फाइनल पॉइंट है और ये आपका इनिशियल पॉइंट है। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस में क्या यूज करेंगे, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो क्या आएगा, वर्क डन बाय चार्ज इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। आंख बंद करके वी बी माइनस वी ए या वी ए माइनस वी बी यूज नहीं कर सकते, माइनस का फर्क आ जाएगा, वैसे वो मेंशन करेगा यू हैव टू कैलकुलेट वी ए माइनस वी बी, तो ऐसे लगाना है, और अगर नहीं करेगा तो फाइनल इनिशियल का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज यहां से यहां जा रहा है तो ये फाइनल ये इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? हाँ, वर्क डन के लिए फिर क्या करेंगे, वर्क डन के लिए क्यू नॉट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल ऐसे करेंगे, ऐसे। पर कंफ्यूजन यहां पर होती है कि मैं वी ए में से वी बी माइनस करूं या मैं वी बी में से वी ए माइनस करूं, तो फाइनल माइनस इनिशियल का कॉन्सेप्ट चलता है, समझ में आ रहा है यहां तक? और फाइनल कौन, जहां पे चार्ज लैंड हुआ वो फाइनल, कहां से चला वो, इनिशियल, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा। देखो ये तो बात पक्की है, जिस क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे, वो आपको तरीका ही एक है, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर फ्रॉम आर बी टू आर ए। अब ये लिमिट में कंफ्यूजन रहती है, आर ए से आर बी कि आर बी से आर ए, वी ए माइनस वी बी कि वी बी माइनस वी ए, ये ना कंफ्यूज हो जाएंगे आप न्यूमेरिकल करते हुए। तो एक ही रूल है, आपको वो क्वेश्चन में हिंट देगा कि किसी टेस्ट चार्ज को मैं बी से ए पे लेके आया, तो आप यहां पे बनाएं ये क्या पॉइंट है आपका फाइनल और ये क्या पॉइंट है आपका इनिशियल, लिख लिया। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे क्या लेंगे, फाइनल, यहां पे क्या लेंगे, इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये रूल क्लियर है। और जब आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाने में हमेशा नीचे की लिमिट क्या होती है, इनिशियल, और ऊपर की लिमिट क्या होती है, फाइनल, ऐसे लगती है, कंफ्यूज नहीं होना। तो आपने चार्ज को बी से ए पे रखा, पहले मार्क करें कौन इनिशियल कौन फाइनल, लिमिट लगाते हुए इनिशियल डिस्टेंस पहले, इनिशियल का मतलब ये इनिशियल पॉइंट है, तो आर बी की लिमिट पहले आर ए की ऊपर, लिमिट लगानी आ गई, इनिशियल डिस्टेंस फाइनल डिस्टेंस, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में फाइनल इनिशियल, पहले फाइनल फिर इनिशियल, बस यही गेम है। बस जिसको ये बात समझ में आ गई ना, उसके कम से कम 20 न्यूमेरिकल तो ठीक हो गए, और जिसको नहीं समझ में आई ना, गारंटेड है, गारंटेड माइनस साइन का चक्कर पढ़ना ही पड़ना है 10 न्यूमेरिकल में उसका, उसको पता ही नहीं लिमिट क्या लगानी है, उसको ये भी नहीं पता कि मैं वी ए पहले रखूँ कि वी बी बाद में रखूँ, और बनाने वाला भी तुमसे ज़्यादा समझदार है, दोनों ऑप्शन देगा, प्लस 10 माइनस 10, प्लस के साथ माइनस मिलना ही मिलना है उसमें, समझ में आ रहा है कि क्या रूल है। अब मैं आपको ना क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इस पे। पहला टेक्निक, पहली क्वेश्चन देखो, 10 कूलम का चार्ज है, 3 मीटर 5 मीटर पे ए और बी पॉइंट है, 10 कूलम का चार्ज 3 मीटर पे ये वी ए लगाएगा 1/4πε0 10/3, और 10 कूलम का चार्ज 5 मीटर पे वी बी लगाएगा, क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है
और ये मेंशन नहीं है कि चार्ज को कहां से कहां रखा, फिर कुछ ना करो, फिर आप बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, बात ही खत्म। वैसे नॉर्मली ये रूल नहीं है, नॉर्मली आपको क्वेश्चन में दिया जाता है फाइंड वी ए माइनस वी बी और वी बी माइनस वी ए, वो मेंशन करेगा कि बनाने वाले को पता है कि वो क्या दोनों में आंसर में फर्क है। तो अगर करेगा वी ए माइनस वी बी तो वी ए में से वी बी माइनस करो, अगर बोलेगा वी बी माइनस वी ए तो वी बी पता है वी ए पता है माइनस कर दो। पहली टेक्निक क्लियर है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, वो कहेगा देखो ये 3 कूलम का चार्ज है, 2 मीटर 5 मीटर दूर दो 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 पॉइंट्स है ए एंड बी, एक इमेजिनरी टेस्ट चार्ज है 2 कूलम। टेस्ट चार्जेस पोटेंशियल फील्ड्स कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते। इसको उठा के बी से ए पे रख दिया, बी से ए पे रख दिया, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना लगा? तो डेफिनेशन ए की है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ टेस्ट चार्ज, जिस चार्ज को उठा के रखा जा रहा है उसको यहां रखना है। कितने चार्ज को उठा के रख रहे हैं? 2 कूलम को, तो वर्क डन बाय 2 कूलम इज पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस पुट करेंगे तो मार्किंग करनी है, क्योंकि चार्ज बी से कहां पे आया? ए पे। तो ये पोजीशन क्या है आपकी? फाइन, ये क्या है? इनिशियल। तो यहां पे क्या आएगा? फाइनल। यहां पे क्या आएगा? इनिशियल। समझ में आ रहा है? आप ऐसे आंख बंद करके नहीं कर सकते, बड़े में छोटा माइनस कर दिया गड़बड़ हो जाएगी, मैं बता रहा हूं ऐसे नहीं है। बड़े में से छोटा का रूल कोई नहीं है, छोटे में से बड़ा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है चार्ज कहां से कहां जा रहा है, क्या इनिशियल क्या फाइनल। तो फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन अपॉन चार्ज। अब वी ए की वैल्यू तो आप निकाल ही लेंगे, 3 कूलम का चार्ज ए पे ये पोटेंशियल लगाएगा 1/4 pi epsilon 3/2, और ऐसी 3 कूलम का चार्ज 5 मीटर पे ये पोटेंशियल लगाएगा 1/4 pi epsilon 3/5। तो वी बी और वी ए की वैल्यूज को आप यहां पुट करेंगे और वर्क डन की वैल्यू आएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, आइडिया समझ में आ रहा है कैसे करना है? और लास्ट एग्जांपल है इसका, इसका कि अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 2xi कैप एक्स एक्सिस, और फिर से 2 पॉइंट गिवन है, और आपसे कहेगा पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। अब आपके पास एक ही डेफिनेशन है लास्ट, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इंटीग्रेशन कहां से कहां, आप चार्ज को कहां से कहां लेके जा रहे हो ये देना चाहिए उसे, गिवन नहीं है, मेरा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो मैं कैसे पता करूं कौन फाइनल कौन इनिशियल? तो फिर या फिर उसको देना चाहिए, ये गलत क्वेश्चन है, उसको देना चाहिए फाइंड वी ए माइनस वी बी, देखो क्योंकि मेंशन करना चाहिए उसे, या वी बी माइनस वी ए, तो ये लिखो, ऐसे लिखो फाइंड वी ए माइनस वी बी। तो अगर मैंने वी ए माइनस वी बी बोला तो इसका मतलब ए मेरा कौन सा पॉइंट है? फाइनल, और बी में मेरा कौन सा पॉइंट है? इनिशियल। ऐसे है ना, फाइनल इनिशियल। तो लिमिट में, लिमिट में नीचे की लिमिट क्या होती है? इनिशियल 3 मीटर, और ऊपर की लिमिट क्या होती है? फाइनल, यानी कि 2 मीटर। समझ में आ रहा है लिमिट्स कैसे पुट करनी है? इनिशियल से फाइनल, क्योंकि इनिशियल पॉइंट बी है, फाइनल पॉइंट ए है। तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर लिखेंगे, ई वेक्टर गिवन है, आर वेक्टर क्योंकि एक्स एक्सिस चल रहा है, तो आर वेक्टर डी आर वेक्टर डी एक्स वेक्टर बन जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, इंटीग्रेट करें, आंसर डन, क्लोज, आंसर आ गया। तो है ना कमाल की चीज कि कैसे है, कुछ नहीं, सारी गेम ऑफ लिमिट्स है, कौन सा पहले कौन सा बाद में। और मैंने एक लाइन में आपको रूल बता दिया, मैं बहुत इसमें से निकल के गया हूँ, मुझे मालूम है, और 10 किताब में 10 रूल हैं, मैंने एक रूल अपना लिया और वो रूल आज तक तो फेल हुआ नहीं, आप कर सको तो बात अलग है, होएगा नहीं, पर साइन में सॉल्व किया हूँ मैं बुक के चक्कर में पढ़ूंगा नहीं, जो मर्जी बुक करे उसको जो पसंद आता है करे, मैं ऐसे ही करूँगा, ठीक है। और लास्ट न्यूमेरिकल, आपको ऐसा प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल ऐसा आता है पेपर में, वो आपको चार्जेस देगा 9, 7 कूलम, दो चार्जेस को करेगा फिक्स, और वो कहेगा इस टेस्ट चार्ज को मैंने ए से बी पे उठा के रख दिया, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बताओ कितना करना पड़ा। तो रूल क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, किस चार्ज को? जिसको उठा के रखा, जो उठा के रखा जाता है वो टेस्ट चार्ज होता है, तो कितनी वैल्यू है? 5 इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्योंकि ए से बी पे रखा तो बी फाइनल है, ए इनिशियल है, तो वी बी माइनस हुई है। स्टेप समझ में आया फाइनल इनिशियल का?
क्योंकि जहां से चला था चार्ज वो इनिशियल है, इनिशियल पॉइंट है, और यहां पे ये फाइनल है. पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? फाइनल वी बी माइनस वी ए, ये रहा. तो पांच यहां से मल्टीप्लाई हो गया. अगर मैं वी बी वी ए की वैल्यू बता दूं आंसर आ जाएगा. तो देखो इसमें बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या आएगा, 9 कूलम का और 7 कूलम का चार्ज इसके ऊपर वी लगाएगा, कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9/3 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 7/2. दो चार्जेस ने पोटेंशियल लगाया. फिर ऐसी ए पॉइंट पर पोटेंशियल कौन लगाएगा? 7 कूलम का चार्ज यहां पोटेंशियल लगाएगा, 9 का भी लगाएगा. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9/2 ये रहा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 7/3 ये रहा. तो पोटेंशियल्स आ गए. इन दोनों पोटेंशियल्स को यहां पुट कर दें, अमाउंट ऑफ वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को? ठीक, जितना भी कोर्स मैंने कराया उसको होमवर्क आपको करके आना है. इसमें होमवर्क के अंदर आप इसमें असाइनमेंट्स प्लस टू सब्जेक्टिव में शीट नंबर जो ट्राई करेंगे 6 और 7, 6 और 7 में ये सारे कॉन्सेप्ट लगा के ट्राई करेंगे. अगली बार डिस्कशन होनी है, बट जितने मैक्सिमम हो सके वो प्लीज सॉल्व करके आए. एनसीईआरटी की शीट है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं. जितना कॉन्सेप्ट आज कराया उससे तो बहुत नीचे है, ये तो एकदम टॉप है. ठीक, ये तो सारे ही करवा दिया पूरा का पूरा. वो करेंगे आपको ईजी लगेगा, हर कोई होमवर्क करके आएगा प्लीज, नहीं तो रिजल्ट ही बनेगा. दोनों शीट्स करके आनी है. छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब 5-7 न्यूमेरिकल तो शायद 5-7 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे, इतने छोटे हैं. ठीक, अगली बार इसका डिस्कशन करेंगे, टेस्ट स्टार्ट करते हैं.